हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 220F के बारे में। देखिए आपको पता है कि भाई कोई कोई बाइक ऐसी होती है जो भाई हमारे दिल में एक ऐसा छाप छोड़कर जाती है कि उस बाइक को बंद होने के बाद भी हम लोग भूल नहीं पाते। उनमें से एक बाइक है 220F। 220F के बारे में आज भी आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते रहते हो कि क्या ये बाइक आ सकती है, कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है, क्या ये बाइक रिलॉन्च होगी। भाई ये इमोशन है ना जो इस बाइक के साथ, वो बहुत ही तगड़ा हो चुका है हमारा। तो आज की इस वीडियो में इसी बाइक्स के बारे में बात करने वाले, 220F के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते बात करते 220F के बारे में। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, 220F इंडियन मार्केट में अगर लॉन्च होती है तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होगा वो रीज़न होगा बजाज की सेलिंग। अगर बजाज की सेलिंग डाउन होती है तो 220F इंडियन मार्केट में ज़रूर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल बजाज की जो सेलिंग चल रही है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी सेलिंग चल रही है, और सेलिंग की वजह से मुझे नहीं लगता कि बजाज 220F को रिलॉन्च करेगा। जब तक रिलॉन्च नहीं करेगा भाई और जब तक सेलिंग डाउन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों इंडियन मार्केट में ये बाइक नहीं आने वाली। हाँ ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर दोस्तों बजाज की जो सेलिंग है वो थोड़ी सी डाउन होती है और F250 और N250 अगर इंडियन मार्केट में फ्लॉप जाती है तो फिर बजाज इंडियन मार्केट में 220F को लॉन्च कर सकता है। फिलहाल बजाज की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है कि ये लोग 220F को रिलॉन्च कर रहे हैं, लेकिन भाई जब NS200 वापस से इंडियन मार्केट में रिलॉन्च हो सकती है तो मेरे हिसाब से भाई 220F भी इंडियन मार्केट में रिलॉन्च हो सकती है। बात कर ले दोस्तों अब इस बाइक के बारे में कि बजाज इस बाइक में क्या क्या नए चेंजेस ला सकता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है कि 220F एक ऐसी बाइक है जिसमें लोग कभी भी मेरे हिसाब से इस बाइक के प्रोजेक्टर लाइट को नहीं समझे, और 220F एक ऐसी बाइक है जिसने प्रोजेक्टर लाइट को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद फिर RS और RC में ही तब लोगों ने इसके बारे में जानना शुरू किया। लेकिन दोस्तों 220F का जो प्रोजेक्टर लाइट है, लास्ट टाइम तक इस बाइक में हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट मिलती थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इंडियन मार्केट में 220F में जो आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलेगी वो नई वाली LED प्रोजेक्टर लाइट आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर होगी और काफ़ी अच्छी इसकी विजिबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ले तो वह बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्पीडोमीटर को लेकर हम भाई इतनी उम्मीद लगा रहे थे कि बजाज अपनी 220F में फुली डिजिटल मीटर लाकर बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा, लेकिन भैया फुली डिजिटल मीटर आने से पहले ही यहाँ तो बजाज वालों ने 220F को ही बंद कर दिया। बाकी कोई बात नहीं, इस बार आप लोगों को बाइक में नया डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। देखिए इसमें आपको नया एनालॉग विद डिजिटल मीटर मिलेगा। फुली डिजिटल मीटर को लेकर अभी भी मुझे डाउट है कि बजाज इसे लॉन्च कर सकता है, क्योंकि इसकी उम्मीद जो है वो मुझे कम है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों इंडियन मार्केट में भाई बजाज अपनी फुली डिजिटल मीटर बाइक्स में काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका स्पीडोमीटर ज़रूर नया होने वाला है। ये मैं शोर हूँ, इस बाइक में आप लोगों को नया मीटर मिलेगा जिसमें आपको कम से कम मोबाइल कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन दिया जा सकता है, USB चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन प्लस गियर इंडिकेटर भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं फीचर्स में इस बार बजाज जो है ज़रूर इस बाइक में काम करने वाला है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि 220F में और क्या अपडेट हो सकते हैं, तो है दोस्तों इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग में आप लोगों को पता है कि 220F में लास्ट टाइम तक सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम ही मिलता था, जी ABS आपको बाइक में सिंगल चैनल ABS ही मिलता था। लेकिन दोस्तों इस बार मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बाइक में आप लोगों को डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम इस बाइक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और कहीं ना कहीं डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम आने के बाद लोग इस बाइक को भाई और भी ज़्यादा पसंद करने लगेंगे और ख़रीदने लगेंगे। बात कर ली दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का इंजन में अपडेट। देखिए इंजन में आपको जो पावर मिलती थी वो पावर को ज़्यादा तो नहीं बढ़ाया जाएगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि अगर पावर बढ़ा दिया तो 220F में फिर लिक्विड कूल इंजन लाना पड़ेगा जिससे बाइक की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पावर तो इस बाइक का बजाज मुझे नहीं लगता ज़्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इंडियन मार्केट में अभी ये जब बाइक आएगी तो इसमें दोस्तों आप लोगों को मतलब थोड़ा तो पावर बढ़ेगा, 2 BHP के आसपास का पावर बढ़ सकता है। प्लस इस बाइक के इंजन में आपको स्लीपर क्लच फिलहाल अभी तक नहीं मिलते थे, तो स्लीपर क्लच आपको इस बाइक में मिल जाएंगे, ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट आपको बाइक में मिलने वाला है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इस बाइक के सस्पेंशन में। अब सस्पेंशन को लेकर बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या 220F में USD फॉक्स सस्पेंशन आ सकता है क्या। इसके जो चांसेस है वो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, इसलिए कम है
है दोस्तों, क्योंकि इंडियन मार्केट में 220F की जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो ऑलरेडी बहुत ही बेहतर सस्पेंशन है, लोग वैसे ही इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों यूएसजी फॉक्स सस्पेंशन ऑब्वियसली बात है लेटेस्ट जनरेशन सस्पेंशन है, थोड़े से बेटर होते हैं, लोगों को थोड़ा ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन भाई प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बजाज कोशिश करेगा इसमें पहले जैसे सस्पेंशन मिले, हालांकि बेटर सस्पेंशन मिलेंगे पहले के कंपैरिजन में। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के प्राइस के बारे में कि क्या प्राइस होगी, तो अभी जो लास्ट टाइम ये प्राइस थी 1,60,000 रुपये के आसपास की, एक मतलब ऑन रोड प्राइस ये डिसकंटिन्यू हो गई थी, 1,65,000 के आसपास की नई बाइक जाएगी, 5,000 से आसपास का इस बाइक का प्राइस बढ़ने वाला है। लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो कह रहे दोस्तों आने वाले ये बाइक मुझे लगता है कि 6 से 7 महीने के अंदर इंडियन मार्केट में रिलॉन्च किया जा सकता है। अब कौन कौन इस बाइक का वेट कर रहा भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।